कपड़े आप ले आए, मैं इन्हें छत पर गई लेने के लिए। आप क्यों लेकर आए, मैं ही ले आती। वो मिर्च सुखा रखी थी ना छत पर, उन्हीं में हाथ मारने गई थी, सोचा अच्छे से सूख जाएंगी। और ये कपड़े सूख गए थे, जो सूख गए वो उतार लाई। आप भी ना मम्मी जी। हाँ वो मैं दुकान वाले का ना हिसाब करने जा रही थी, इन्होंने पैसे दे दिए थे, कह रहे थे कर आना उसका हिसाब, मैं बस वही देने जा रही थी, कुछ सामान भी लेके आना है। आपको कुछ चाहिए हो तो बता दो, मैं ले आऊँगी आते टाइम। मैं हाँ वो अनारदाना की गोली ले आना, वो ख़त्म होने वाली हो रही है। ठीक है मम्मी जी। मम्मी रेनू तू अरे अब चुप भी हो जा, रोए जा रही है जब से, बात तो बता। ऐसा कर तो पहले पानी पी। मम्मी जी मैं उस नरक में अब दोबारा नहीं जाऊंगी, मुझसे सहन नहीं होता अब। अरे बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है, आप मुझे दोबारा उस घर में मत भेजना। अगर आपने मुझे दोबारा भेजा ना तो आपके पास उस घर से मेरी लाश ही आएगी। मम्मी जी सहते सहते मैंने इतना टाइम निकाल दिया, अब मुझसे और सहन नहीं होता। अरे एक बात बताऊं, आप मुझसे कुछ नहीं पूछोगी कि क्यों हुआ कैसे हुआ, जब टाइम आएगा मैं अपने आप बता दूंगी। अच्छा तू चुप हो जा, मुझसे तेरे आंसू देखे नहीं जाते, नहीं पूछूंगी तुझसे मैं। दीदी आप रो क्यों रही हो, क्या बात हो गई? मम्मी जी क्या बात हो गई, दीदी रो क्यों रही हैं? मुझे भी अभी तक कुछ नहीं बताया इसने। चल जब तेरा मन हो तब बता देना। रेनू जग गई? नहीं मम्मी जी अभी तो नहीं जगी। मम्मी जी कुछ बताया दीदी ने क्या हुआ था क्या नहीं? नहीं कुछ नहीं बताया उसने। मेरे तो बेटा पूछने की हिम्मत ही नहीं हो रही। तू ऐसा कर, तू प्यार से पूछने की कोशिश कर, शायद तुझे कुछ बता दे। मम्मी जी अभी एक दो दिन रुके जाते हैं, शायद खुद ही बता दे अपने मुँह से। नहीं तो जिस दिन उनका मूड थोड़ा ठीक सा होगा उस दिन पूछ लूँगी मैं। शायद तो ठीक कह रही है, एक दो दिन रुक ही जाते हैं। वाओ भाभी कितना सुंदर सूट है, कितना प्यारा कलर है इसका, सिलने के बाद तो बहुत अच्छा लगेगा। दीदी आपको पसंद आ रहा है तो आप सिलवा लो, मेरे पास एक और है मैं वो वाला सिलवा लूंगी। सच्ची भाभी? वाओ थैंक यू भाभी। भाभी आप कितनी अच्छी हो, ये बहुत सुंदर लगेगा। भाभी मैं ऐसा करती हूँ उसकी है ना पजामी ना बनवा के ना इसके नीचे पैंट बनवा लेती हूँ, अच्छी लगेगी ना। आपका जैसा मन हो वैसा ही सिलवा लेना। भाभी रात के खाने में ना पनीर की सब्जी बना देना, बहुत दिन हो गए आपके हाथ की सब्जी खाए हुए। और हाँ साथ में ना पराठे बना देना, रोटी नहीं। ठीक है वही बना दूंगी, मैं मम्मी को बता दूंगी, आते टाइम ले आएंगी बाजार से। और सुना रेनू कैसी है तू? मैं तो ठीक हूँ, पर तू ये बता तुझे पता कैसे चला कि मैं आई हुई हूँ? वो आज आंटी जी आई थी घर पर, उन्होंने ही बताया कि तू आई हुई है। अच्छा अच्छा तू ये बता चाय पिएगी ठंडा? नहीं कुछ नहीं। कुछ नहीं क्या, कुछ तो बता क्या लेगी। नहीं मन नहीं है कुछ भी, मैं तो बस तुझसे मिलने आई थी। और सुना तेरे ससुराल में सब कैसे हैं? सब ठीक है, तू उनकी छोड़, तू ये बता तू क्या कर रही है, हो गई तेरी पढ़ाई पूरी? हाँ हो गई। एक बात कहूँ? हाँ बोल। जैसा आंटी जी मेरे घर बता रही थी तुझे देखकर लग तो रहा नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ होगा। क्यों मेरे साथ क्या हुआ, कुछ भी तो नहीं। वहाँ तो आंटी जी इतना कुछ बता रही थी तेरे बारे में, तेरे ससुराल वालों के बारे में कि उन्होंने बहुत परेशान कर रखा था तुझे और तू परेशान होकर यहाँ आई है, पर तुझे तो देखकर लग ही नहीं रहा कि ऐसा कुछ हुआ है। अब तुझे कैसे बताऊं, पता नहीं मुझे तुझे बताना भी चाहिए या नहीं। देख आज तक तेरे और मेरे बीच में कुछ छुपा नहीं है, तुम उस पर पूरा विश्वास कर सकती है, हो सकता है मैं तेरी कोई मदद कर दूं।
मदद तो जब करेगी ना, जब मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ कुछ किया हो। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरे ससुराल वाले ने मुझसे कुछ नहीं कहा, मैं खुद ही लड़कर आई हूँ। लेकिन क्यों? अरे यार, जिंदगी नर्क बना रखी थी मेरी, ना चैन से सोने देते ना मनपसंद खाने देते थे, बस 24 घंटे जी हजूरी करते रहो उनकी, मैं तो परेशान होकर आ गई। और देख, जब से यहाँ आई हूँ ना, मेरा जब मन करता है मैं सोती हूँ, जब मन करता है मैं जगती हूँ, जो मेरा खाने का मन करता है मैं भाभी से कह देती हूँ, वो बन जाता है। अब तू ये बता, जब खुदा दे खाने को क्यों जाए कमाने को? तो ये बात है, और नहीं तो क्या। पर तेरी सास तो बहुत अच्छी है, और जीजू की भी नेचर बहुत अच्छी लगती है मुझे तो। दो तीन बार तो मैं भी मिली हूँ उनसे फैमिली फंक्शंस में। हाँ तो तेरे कहने का मतलब ये है सब ठीक है, बस मैं ही खराब हूँ। एक बात बता, जो तू लड़कर आ गई वहाँ से, क्या मिल गया तुझे? मिल क्या गया? अरे सुकून मिला है मुझे। कितने दिन का? क्या मतलब कितने दिन का? 10 दिन का, 20 दिन का, 1 महीने का, जब तक मेरा मन होगा तब तक का। तुझे क्या लगता है, जब तेरा मन होगा तू अपनी ससुराल चली जाएगी और तेरे ससुराल वाले तुझे अपना लेंगे? क्यों, क्यों नहीं अपनाएंगे? वो मेरा घर है, वो मेरा। यही समझाना चाह रही हूँ कि वो घर तेरा है, ये घर तेरी भाभी का है। अरे भगवान ना करे, जिया जी ने अगर तेरी इस छोटी सी ना समझी के पीछे तुझे डिवोर्स दे दिया तो? चौक मत, ऐसा हो सकता है। फिर बैठी रहना यहीं इसी घर में, कभी अपनी मम्मी के तो तूने सोची नहीं है कि उन पर क्या बीत रही है, हमेशा अपने बारे में ही सोच तू। कुछ अंदाजा है तुझे, जब आंटी जी आई थी ना तो तुझे लेकर कितना रोई है? क्या? खैर तुझे उससे क्या, तू आराम से रह, जब तक आंटी जी हैं तब तक तो तेरा बसेरा है ही यहाँ पे। लेकिन उनके जाने के बाद कभी सोचा है, जो भाभी अब तेरे आगे पीछे घूम रही है ना, अगर ना बनी तो तेरी उनसे फिर क्या करेगी? तुझे क्या लगता है, आंटी जी को भाभी को कभी तेरी असलियत के बारे में पता नहीं चलेगा? कभी ना कभी तो असलियत का पता चलेगा ही ना। उसके बाद, उसके बाद क्या, क्या इज्जत रह जाएगी तेरी उनकी नज़रों में? खैर तुझे उससे क्या, तू मजे से रह। अरे बेटी को ससुराल वाले परेशान करें और वो मायके में आए तो मायके वालों का फ़र्ज बनता है कि वो बेटी की मदद करे, पर तू तो अपने ससुराल की जिम्मेदारियों से ही बचकर आ गई। जब आंटी को और तेरे भाई को पता चलेगी तब माफ़ करेंगे वो तुझे? हो सकता है आंटी जी तुझे माफ़ कर दें, पर तेरे भैया भाभी वो तुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। तू अपने मायके के दरवाजे खुद ही बंद कर लेगी, ना तू ससुराल की रहेगी ना मायके की, समझी? देख अब भी टाइम है, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, सब सही हो जाएगा अगर तू चाहे तो। तू सही कह रही है, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। थैंक यू यार, तेरे जैसे दोस्त भगवान सबको दे, जो सही और गलत का फर्क समझा सके। मैं ऐसा करती हूँ, पहले अपनी सास को फोन करके उनसे माफ़ी मांग लेती हूँ, वो मुझे माफ़ कर देंगी, वो कभी मेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। फिर मैं इन्हें फ़ोन कर देती हूँ, फिर इनसे भी माफ़ी मांग लूँगी। देखा, आप तो खुद ही कह रही है ना अपने मुँह से कि तेरी सास तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। अरे तो खुशकिस्मत है कि तुझे इतनी अच्छी सास, इतने अच्छे ससुर मिले हैं, इतना अच्छा घर परिवार मिला है। बचा ले उसे, मत टूटने दे।